हमारी आवाज सुन रही है? पूनम नाम है? अरे नजदीकी बैठिए आप तो। मामराज कौन है आपके? ससुर। माइक नजदीक रखो, स्लेट दे दो बेटा। कहाँ रहते हैं आप लोग? नांगलोई में। अरे नांगलोई में रहते हो, 44 नंबर में रहती हो? हाँ जी। एन नंबर? एन 44 या खाली 44? खाली 44। चलो जल्दी लाओ। आपके मन में जो प्रश्न आया है यहाँ बैठकर, वह घर के बारे में आया है। हाँ जी। निजी घर के बारे में। हाँ जी। निजी घर बनेगा लेकिन अभी नहीं बनेगा। अब ये देखो, पति आपके जब 56 वर्ष के होंगे तब बनेगा, क्योंकि पति का बर्थ होगा आपका 70 में। कब का? कौन से वर्ष का है? 70 का। तो 70 और 56 कब होंगे? 2026 में घर बनेगा आपका। ताली बजाओ बहन के लिए, क्योंकि 13/11/1970 की पति की जन्मतिथि होगी आपकी। तेरह? ये तो मेरी है। अच्छा 13/11/70 आपकी है? नहीं, 74। और ये छठवें महीने में किसकी है? पति की। 30? हाँ जी। 30/6/1970? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 70 का है ना बर्थ। हाँ जी। हाँ, तो 56 वर्ष होंगे तो कौन सा सन बनेगा भाई? बब्बल बताइए। बब्बल 56 वर्ष जब होंगे तो कौन सा सन बनेगा? पक्का? क्योंकि तुम्हारा हिस्सा बढ़िया होगा प्रॉपर्टी में। अब आपके पति स्क्रैप का काम करते हैं? हाँ जी। क्या बच्चे हैं आपके? दो। चंद्रवती सासू हैं तुम्हारी? हाँ जी। आप उपाय कर लेंगी हमारा बताया हुआ? एक आपकी सासू हैं या माँ? नहीं, सासू माँ नहीं वो। उनका कोई बंटवारे का सामान मिला आपको? कोई पायल हो चांदी की, या कोई रिंग हो, या कोई हो उनके आभूषण की पायल हो, या तो उसमें से कोई रिंग या कोई गोल्ड की बनी हो तो उसमें से कुछ आइटम बनवा करके अपने पति को पहनाओ, व्यापार चलेगा नहीं दौड़ेगा। आप समझ नहीं मेरी बात? ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? क्या कहा हमने? कि अगर अपनी तुम्हारी सास की कोई भी, हाँ हाँ, गोल्ड की हो जो चांदी की हो, हाँ, वो अपने पति को पहनानी है। हाँ, और फिर व्यापार दौड़ेगा, बहुत अच्छा दौड़ेगा। और ओम प्राम प्रेम प्रोम सह सनये नमः का नित्य 108 बार पाठ करें। ठीक है जी, लो भी। हाँ, ये पाठ करेंगे।